ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और ज्यादातर देशों में लॉकडाउन जारी है, तो चीन में पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जा रही है। चीन में आम लोगों की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, लेकिन इस बीच कोरोना ने भी एक बार फिर वहां पर पैर पसारना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों में चीन में एक बार फिर कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक इस रविवार को वहां 108 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि शनिवार को 99 और शुक्रवार को 46 मामलों की पुष्टि हुई थी। इनमें से 10 मामले ऐसे हैं जिनमें मरीज विदेश से लौटा था, जबकि 7 कोरोना पॉजिटिव चीन के होलोंगजियांग से आए हैं, जो रूसी सीमा के बेहद करीब है। अधिकारियों ने चीनी लोगों के कोरोना वायरस के साथ रूसी सीमा को पार कर देश लौटने वाले लोगों पर ध्यान देने का आदेश दिया है। बता दें कि चीन के शंघाई में रूस से एक विमान में उड़ान भरने वाले 51 चीनी नागरिक कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 21 ऐसे कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है जो हेलोंगजियांग प्रांत से संबंध रखते हैं। बता दें कि वुहान में अधिकारियों ने पहले ही प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है, लेकिन हार्बिन के साथ ही सीमा से सटे शहर सुफीन में वुहान की तरह ही लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि फरवरी में रूस ने चीन से आने जाने वाली सभी उड़ानों को बंद कर दिया था। इसलिए लोगों के लिए चीन लौटने के लिए सुफीन एक प्रमुख मार्ग बन गया है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।